मैं बता दूं, मैं बिल्कुल फ्री आया हूं हरिद्वार। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, शाम को हम रुके थे यहाँ पर इस मंदिर में, ठीक है ना? वो मंदिर है ना, उस मंदिर में रुके थे। और मंदिर कहाँ पे है आपको बता देते हैं, यहाँ बिजली घर है वहाँ पे है मंदिर। और शाम को हम यहीं रुके थे, खाना आना यहाँ खा लिया था हमने। और अभी हमारा बैग एक पैक हो गया है, आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अभी बज चुके हैं 10 बज चुके हैं। वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे जो सारे कपड़े हैं ना वो गंदे हो गए थे और उस कपड़ों की मैंने धुलाई वुलाई की और शाम को धो के फिर चुका दिया था। फिर रात को थोड़ी मतलब नहीं हुई ना, फिर सुबह धूप आई, अभी तक सूखे और फिर अंदर पैक वैक करके ये पड़ा हमारा बैग। और अभी हमने स्नान स्नान करके फिर निकलते हैं। अब हमारे से हरिद्वार रहा होगा 6 किलोमीटर के आसपास। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? और हमारा वो अभी तक कपड़ा सूख रहा है, तो सूखने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से और फिर वापस जाके वहाँ पे लिफ्ट मांगेंगे। और आपको बता दें, हाईवे जस्ट पास में ही है, उसके पास भी जस्ट बिजली घर है। भाई अब हम आ गए रोड पे और रोड पे मांग रहे हैं लिफ्ट, ठीक है? तो लिफ्ट मांगते समय ध्यान रखना, एकदम खुश होने चाहिए, खुश नजर आओ, एकदम लिफ्ट अपना मिल जाएगी। देखता है कितने टाइम हमें लिफ्ट मिलती है। अभी जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, देखते हैं कौन लिफ्ट कहता है। लिफ्ट तो बहुत जल्दी मिल जाती है, 10 या 15 मिनट के बाद लिफ्ट मिल ही जाती है, ठीक है दोस्तों? मिलती है तब देखते हैं कहां तक मिलती है हमें लिफ्ट। लेकिन एक मैंने बात नोटिस की है, बड़ी लिफ्ट नहीं, छोटी छोटी लिफ्ट लो तो आप जल्दी पहुंचोगे, बड़ी लिफ्ट से जल्दी नहीं पहुँचोगे। या बड़ी लिफ्ट से अगर बड़ी मिल गई ना तो बड़ी रहते ही सीधा पहुंच जाएंगे हरिद्वार। भैया कहाँ तक जाओगे आप? कितनी दूर जाओगे यहाँ से? 7 किलोमीटर रोके तो इसी आइए थे ना। तो भैया ने मेरे को लिफ्ट दे दी है अभी और निकलते हैं हरिद्वार की ओर। भैया हाय बोलिए। हाय हाय, बस बढ़िया है, आप की तरह है सब। तो भैया ने मेरे को 7 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी है, सुबह मेरे को आते ही 10 मिनट भी नहीं हुआ और लिफ्ट मिल गई मेरे को। Hold me close till I get up, time is barely on our side. दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर नगर, और अभी हरिद्वार राह है हमारे से 80 किलोमीटर दूर। लेते हैं भोले का नाम और निकलते हैं फिर से वापस और मांगना शुरू कर देते हैं यहाँ से, फिर से वापस लिफ्ट, ठीक है? लेते हैं भोले का नाम और मांगते हैं लिफ्ट, मिलती है कि नहीं, दे भोले नाम। तो भाई ये गाड़ी है ना पीछे पीछे आ रही है, मुझे लग रहा है मेरे लिए आ रही है। तो जाते हैं भैया के पास और क्या बोलता है भैया। ऐसा हरियाणा, हाँ भैया जा रहे हैं? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार तक जा रहा है, वहाँ तक कितना दूर होगा यहाँ से पता नहीं, तो कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा अंदर। बैग, हाँ बैग डिक्की में डाल, ठीक है। तो भैया, तो भैया ने मेरे को अभी जस्ट लिख दिए, मैं वहाँ खड़ा था और भैया आगे जाके रुक के फिर पीछे बैग आए ना। वैसे भैया आपको क्या दिखा कि आप आगे जाके पीछे? अच्छा लिफ्ट दिखा, तभी आगे जाके बैग आए। थैंक यू भैया। और भाई हम आ गए हैं, ऐसा उस गाँव का नाम है हमें तो पता है नहीं, और हरिद्वार हमसे रहा है 30 किलोमीटर दूरी, ठीक है ना? तो अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ना बड़ा बड़ा ये वाला, इसको बोलते हैं भट्टा, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें ईंट पकाई जाती है ना, जो हमारे घरों में ईंट काम आती है ना वो इसमें ही पकाई जाती है।
तो यहाँ ऐसे बहुत बने हुए हैं, एक वो बना हुआ, ये और इधर की साइड भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं रोड पे और वहाँ से फिर वापस लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। देखते हो ना, लिफ्ट का इशारा मानते ही लोग रोक लेते हैं। ठीक है, ये भैया काफ़ी दूर के बाद हमने वापस लिफ्ट ली है, दिल्ली RJC। हाँ भैया, मेरे लिए रोक भैया, अच्छे साथ कहाँ तक जाओगे भैया आप? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा, तो रख लूँ बैग, थैंक यू। मैं राजस्थान बाड़मेर का हूँ। बाड़मेर कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान की सीमा पे पड़ता है। ये आप कहाँ के हो? मैं हूँ तो दिल्ली का। मैंने अच्छा दिल्ली का आ रहे हो ना, चित्तौड़गढ़ से आ रहा हूँ। अच्छा, चित्तौड़गढ़ से आ रही हूँ। आप भी घूमने हो गया? नहीं, मेरा तो काम। अच्छा, तो भैया ने मेरे को अभी लिफ्ट दी है। यहाँ से हरिद्वार पड़ता है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो जाते हैं हरिद्वार और फिर हरिद्वार से निकल जाएंगे वापस केदारनाथ के लिए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे भैया आपका क्या नाम है? मेरा यीशु गुप्ता। यीशु प्रताप? यीशु गुप्ता। यीशु गुप्ता इनका नाम है। तो भैया ने मेरे को अभी जस्ट लिफ्ट दी है, मैं पीछे खड़ा था, ये बोर्ड दिखा तो भैया ने आगे जाके ब्रेक मारा, फिर मैं दौड़ के गया। ठीक है, तो मिलते हैं आगे जाके हरिद्वार। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। ठीक है, ये गंगा मैया बह रही है। ये हरिद्वार, तो चलो हरिद्वार में स्नान ध्यान करके फिर निकलते हैं केदारनाथ की ओर। तो दोस्तों, ये हरिद्वार, अभी हम जस्ट हरिद्वार के अंदर आए हैं। ठीक है, वहाँ से हाईवे होके फिर यहाँ होके अभी हरिद्वार जस्ट पहुँचे हैं। और ये है हर की पेड़ी। ठीक है, और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं हरिद्वार का, ये देख सकते हो, ये हरिद्वार। तो अब हम ही जाते हैं अंदर और स्नान स्नान करके फिर निकलेंगे केदारनाथ। ठीक है, तो जाते हैं अंदर। मेरे पास फ़ोन नहीं है भैया। ठीक है, ये देख सकते हो, ये सारे नहा रहे हैं, तो हम भी नहाएंगे। ठीक है, तो जाते हैं अंदर। हमारी डुबकी तो गंगा मैया के अंदर, और
कहाँ के हो? कानपुर। कानपुर के? अच्छा, बहुत मजा आ गया। कानपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, यू उत्तर प्रदेश है ना? उत्तर प्रदेश में जाके आया हूँ। उत्तर प्रदेश से दिल्ली होके हरियाणा पलवन आगरा होके फिर वहाँ से निकला था। तो इसमें रिकॉर्डिंग होती है, निकल जाती है? हाँ हाँ, निकल जाती है। मोबाइल से कनेक्ट होकर गई है? हाँ हाँ। एक और डुबकी लगा देते। हो गया हमारा तो, अब निकलते हैं बाहर। तो भाई अभी पैदल पैदल जा रहे हैं ऋषिकेश। पैदल तो नहीं है, पुल पे खड़े हैं। भैया ने लिफ्ट दी थी तो मुझे नीचे उतार दिया था, और अभी जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश हमारे से रहा है 25 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आपको व्यू दिखाते हैं। ये देख सकते हो, ये पुल और ये इनका गांव है, और हरिद्वार एरिया हमारा से पीछे उस तरफ। ठीक है, तो फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे। अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि अभी मुझे रुकने के लिए जगह ढूंढनी है। तो शाम हो गई है, अभी 4 बजने वाले हैं, तो अभी मैं जगह ढूंढूंगा, फिर निकल जाऊंगा, फिर सुबह मिलूंगा आपसे। अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको और व्यू दिखा देते हैं। अरे देखो कितने पहाड़ है ना, एकदम शानदार लोकेशन आ रही है।